आज का हमारा टॉपिक है लंदन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लंदन थ्योरी या फिर हम इसको लंदन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, लंदन थ्योरी के अकॉर्डिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स डिके फ्रॉम कॉन्स्टेंट वैल्यू एट द सरफेस ऑफ सुपर कंडक्टर टू जीरो ग्रेजुअली इनसाइड द कंडक्टर। मतलब क्या है इस बात का, जो भी मैंने बोला कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब सुपर कंडक्टर लिया हमने, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके सरफेस से लेकर अंदर तक वो क्या करती है, एक्सपोनेंशियली डिके करती है। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की थी, अंदर तक जब जाते हैं तो वो वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, मतलब वो डिके करती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती, जैसा कि हमने मेजर इफेक्ट में बोला था। मेजर इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो क्या था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये अकॉर्डिंग टू मेजर इफेक्ट क्या था कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारी वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। जो भी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू मेजर इफेक्ट क्या था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगी हमारी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन जो लंदन इक्वेशन है वो क्या कहती है कि वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो डिके करती है, सर कॉन्स्टेंट वैल्यू से जीरो वैल्यू तक वो डिके करती है, वो कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी जो हम लंदन थ्योरी जो है दोनों बातों को एक्सप्लेन करेगी, मतलब मेजर इफेक्ट को भी हम यहाँ पर बताएंगे कि वो जो फैक्ट वो अभी हम यहाँ पर मेजर इफेक्ट को भी बताएंगे कि वो एक फैक्ट नहीं है, और हम इस बात को भी एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि हमने बोला है कि कैसे सरफेस से लेकर अंदर तक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिके करती है, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इस बात को, जो भी ये जो डिस्कवरी है वो एफ लंदन एंड एच लंदन ने की थी इन 1935 के अंदर एफ लंदन एंड एच लंदन ने इसको एक्सप्लेन किया था लंदन थ्योरी को। उन्होंने क्या किया, जो भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी है हमारी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशन जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन की, उस मॉडिफिकेशन के बाद वो एक रिजल्ट पर पहुंचे, उन्होंने वहां से इक्वेशंस ड्राइव की और लंदन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स इक्वेशंस जो हम पढ़ चुके हैं, मतलब मैक्सवेल्स इक्वेशन आती हैं उसके अंदर, उनके अकॉर्डिंग क्या है, इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, हम लिख लेते हैं इसको, इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी किसके, वेक्टर पोटेंशियल ऑफ द लोकल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट द करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अभी हमने जो यहाँ पर बोला उसको देखो, हमने बोला सुपर कंडक्टिंग स्टेट, यहाँ पर हमने सुपर कंडक्टिंग स्टेट क्यों बोला है, क्योंकि जो भी सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं अपने पास, एक टाइप नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हम उसको बोलते हैं और दूसरे टाइप के हम सुपर कंडक्टिंग और दूसरे टाइप के हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट की, तो जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वेक्टर पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जे एस से मैंने उसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, जे एस का क्या मतलब है, करंट डेंसिटी है, वो डायरेक्ट जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वेक्टर पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी
इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे। वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, जो जे एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के, और कांस्टेंट यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस वन बाय म्यू लैम्डा एल स्क्वायर होल। ठीक है, यहाँ पर जो ये लैम्डा एल है, इस लैम्डा एल का क्या मतलब है, लैम्डा एल का मतलब है पेनिट्रेशन डेप्थ, मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिके कर रही है कितनी डिस्टेंस तक, वो कितना डिके कर रही है, वो हमारी क्या है, पेनिट्रेशन डेप्थ है। तो ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लंदन फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर हम इस इक्वेशन की कर्ल ली, मतलब कि डेल जे एस इक्वल्स टू वन म्यू लैम्डा एल स्क्वायर डेल ए। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो मैक्सवेल्स इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये जो इक्वेशन है ये मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, यहां पर लिख लेते हैं हम, ये वैल्यू जो है, मतलब डेल जे एस इक्वल्स टू वन म्यू डेल्टा स्केयर, ये जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू होती है बी, ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बी मतलब मैग्नेटिक। ये जो इक्वेशन है वो कहाँ से आई है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर जो मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं हम, वहाँ से। ठीक है, अभी हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा क्या आ गया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी जो ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है कि जो भी इंडिपेंडेंट है, मतलब कि रिंग ले सिलेंडर ले कोई इफेक्ट नहीं है सुपर कंडक्टर्स का, ये इफेक्ट हर एक में शो होता है, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम एक स्टैटिक इक्वेशन लें, मतलब स्टैटिक इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि जो डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू जे एस, ठीक है, इसको ये हमारी स्टैटिक इक्वेशन है, स्टैटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन का कर्ल लें, मतलब कर्ल इक्वल्स टू म्यू कर्ल जे एस, कर्ल जे एस, ये जो है वो हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, अगर हम इस आइडेंटिटी को खोल लें तो वैल्यू क्या बनेगी, अगर हम इस आइडेंटिटी को खोलते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बनती है, डेल डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी, बी इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल क्रॉस जे एस। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी, क्यों कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि डेल डॉट बी गॉस लॉ होती है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के अंदर, ये वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, इन मैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म दिस वैल्यू इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ इतनी बची, मतलब ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू है, ये माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल। अब ऊपर वाली इक्वेशन से हमें पता है, अभी हम वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, डेल क्रॉस जे की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन म्यू स्क्वायर डेल एल बी, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, मतलब वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, म्यू क्रॉस, ये वैल्यू किसके बराबर है, म्यू डेल्टा एल स्क्वायर बी। ठीक है, अभी म्यू से क्या हो जाएगा, म्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेल स्क्वायर बी किसके इक्वल आ गया, बी डेल एल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन का कहीं पर भी यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर हम इसका यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारी कंडक्टर्स के अंदर, सुपर कंडक्टर्स के अंदर, वो क्या नहीं है हमारी, फिक्स नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये बात किसको एक्सप्लेन करती है, मतलब कंट्राडिक्शन है मेजनर इफेक्ट का। मेजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब है मेजनर इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है इसने। जो भी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है
वो क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन अभी हम इसी इक्वेशन के अंदर अभी हम इसको क्या कर दें, जैसे सुपर कंडक्टर है, ठीक है, उसके उसके ऊपर हम जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई अगर करते हैं तो क्या होगा, मतलब ये जो इक्वेशन है उसका हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ जाए। कैसे, हम जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जो इनफाइनाइट स्लेब है हमारी वो एक्सटेंड करेगी एक्स डायरेक्शन में, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल सॉरी डी स्क्वायर बी इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी, डी डेल एल। जब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या आता है, बी जेड जीरो इक्वल्स टू बी जीरो इक्वल्स टू सॉरी बी जीरो इंटू एक्स बाय लैम्डा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है एट द सरफेस, और जो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो है इंटीरियर, मतलब कि एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है, वो डिके कर रही है, ठीक है। तो लंडन थ्योरी हमारी क्या कहती है कि जो भी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिके करेगी फ्रॉम द कॉन्स्टेंट वैल्यू एट द सरफेस ऑफ सुपर कंडक्टर टू जीरो, ठीक है, इस बात से ये एक्सप्लेन होता है। ओके okay.